हेलो एवरीवन, मैं शुभ्रा और आप देख रहे हैं द कैमरा स्टोरी। वीर स्कूल से आ गया, वीर को खाना खिलाते हैं और कल की पार्टी की आपको अपडेट देते हैं। कल रात को हमारे घर पे पार्टी थी, मैंने आपको बताया था मेरे फ्रेंड्स आने वाले, तो मैं ना मतलब कुछ शूट नहीं कर पाई, कुछ मैं आपको दिखा नहीं पाई, लेकिन कुछ थोड़े बहुत प्यारे प्यारे से अपडेट देने उस पार्टी के, वो अभी मैं खाना खिला दूँ वीर को फिर देती हूँ। अरे आ जाओ भैया, वीर वीर थोड़ा सा। हाँ बनेगा, पहले खाना खाओ। अच्छा सिर्फ एक बाइट। वीर शैतान बच्चा कहाँ है? बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ, टीना मैम वेट कर रही है, हमें चलना है, आ जाओ। आसो कल रेंगे वहां पे। तुम प्लांट बन गए, आ जाओ फिर तुम्हें गार्डन में रख देते हैं बाहर। वीरा चलो तुम्हें गार्डन में सेट करके आते हैं। वीर अपने शूज खुद पहनेगा, नो हेल्प। हाँ पहनो, उल्टे हैं उल्टे उल्टे, बैठ के पहनो। वीर को उसकी ट्यूशन क्लास ड्रॉप कर दिया। और हाँ एक बात और ये बताई, आज भी हमारे घर में शाम को एक बहुत ही मजेदार सी पार्टी है। मैं कपड़े वपड़े चेंज करके एकदम मस्त रेडी हो गई हूँ। आपको बताया था ना, आज भी हमारे घर में एक मजेदार सी पार्टी होने वाली है। पार्टी क्या मतलब, काइंड ऑफ गेट टूगेदर। आपको याद है हम लोग जो नैनीताल गए थे, तो हमारे जो फ्रेंड्स ग्रुप नैनीताल गए थे, तो वो सारे लोग आज मिलने वाले हैं। और कल के अपडेट ये है, कल के ऐसा कोई अपडेट नहीं है। कल पता है क्या हुआ, बड़ा सब हॉच पॉच हो गया एंड आई वॉज अलोन, तो मैं कुछ व्लॉग नहीं कर पाई, लेकिन मज़ा बहुत ज़्यादा आया। हम सारे फ्रेंड्स ना इतने टाइम के बाद मिले थे और मुझे ना बहुत प्यारी प्यारी सी चीज़ें उन लोगों ने दी है, मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ। तो कल मुझे जो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिली हैं वो ये है, ये एक प्यारा सा स्टोल है। मेरी एक फ्रेंड ना शिमला जाके आई, तो मुझे बहुत क्यूट सा एक कलर, कितना प्यारा है ना, बेबी पिंक, नाइस और बहुत सॉफ्ट है। इसको मैं आराम से जीन्स के साथ कैरी कर सकती हूँ, सूट के साथ कर सकती हूँ, बहुत प्यारा लग रहा है। और मेरी एक फ्रेंड ने ये प्यारे प्यारे से मेरे को नेल पेंट दिए हैं, शेड बहुत अच्छे हैं, मतलब मस्त लग रहा है। एक तो मैं सोच रही हूँ अभी लगा लूँ, खराब हो रहे हैं नाखून, लगा ही लेते हैं। कौन सा वाला लगाएं, ये या ये ब्लू, लाइट ब्लू ये लगाते हैं, क्योंकि मैंने ना ऑलरेडी ग्रीन टाइप की लगाई हुई है, तो ये नया शेड लगाते हैं, ये प्यारा लग रहा है ना। थैंक यू सो मच अल्पिका, थैंक यू सो मच अपर्णा फॉर दीज ब्यूटिफुल नेल पेंट्स। नेल पेंट लगाने के केस में तो जो सबसे तामझाम वाला काम होता है ना, वो होता है नेल पॉलिश, पुरानी वाली नेल पॉलिश हटाना। आई विश कुछ ऐसा मैजिक हो जाएगा ना कि ये काम ना करना पड़े, ये बड़ा बोर लगता है यार। मैंने पता है आज तक कभी वो नहीं कराई नेल आर्ट, वो एक्सटेंशन जो होते हैं ना वो नहीं कराए। मैं सोच रही हूँ कराऊँ, क्या बोलते हो, कराया जाए एक बार? यार मेरे को ना डर लगता है, क्योंकि वीर बहुत अभी छोटा है ना, तो मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसको नेल्स चुभ जाएं, क्योंकि वो हल्के से थोड़े से लंबे से कर देता है ना। सोचते हैं करा ले इस बार दिवाली में। तो जी मेरा हो चुका है बहुत अच्छा वाला पोपट। मैंने ना सिर्फ दो नेल्स के, अभी दिखाती हूँ इस हाथ से, सिर्फ दो नाक, तीन नाखून, दो ये नाखून और एक अंगूठा, इसकी नेल पेंट हटाई और मेरी नेल पेंट रिमूवर खत्म हो गई है। और अभी ना तो टाइम है ना ऑप्शन है कि मैं लेकर के आऊँ, क्योंकि मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर हमारे घर में ढेर सारे गेस्ट आने वाले हैं और मैं ऐसे ही चिप्ड नेल के साथ आज सबसे मिलने वाली हूँ। तो अब हम आपको बताते हैं लास्ट मोमेंट के ब्लंडर्स। मैंने लिखा सही दवाई है, प्याज खत्म हो गया, जा रही हूँ फटाफट प्याज ले लो, और सिर्फ 10 मिनट बचे होंगे आने में। भैया प्याज चाहिए आधा किलो, हाँ आधा किलो प्याज दे दो और आधा किलो खीरा दे दो और हरी धनिया। प्याज मैंने घर पे पहुंचा दिया है, सारी तैयारियां ऑलमोस्ट डन है, फ्रेंड्स नीचे पहुंच गए हैं, बस ऊपर आने वाले हैं और हम लोग मज़े स्टार्ट करने वाले। इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करेंगे, आपसे मिलेंगे एक नए व्लॉग में और फिर बताएंगे कि हमने आज रात को क्या क्या मज़े किए। बाय बाय।